इस बार फिरोजाबाद सीट को गंवा देगी भाजपा। अखिलेश के आगे बीजेपी के गणित होंगे फेल। दरअसल फिरोजाबाद की सीट ऐसी सीट है जहां बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 4 महीने पहले ही फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए चाचा शिवपाल यादव का नाम घोषित कर दिया था। शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल होंगी। हालांकि 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने शिवपाल को आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। अब ऐसे में अगर शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी फिरोजाबाद सीट को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी अपने नाव वर्तमान सांसद चंद्रसेन जादौन पर दोबारा तो नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि वर्तमान सांसद जादौन का रिपोर्ट कार्ड बीते 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं रहा है और न ही जनता में उनकी पकड़ अच्छी साबित हुई है। इसीलिए बीजेपी किसी नए चेहरे को ही लोकसभा चुनाव में टिकट देगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से बीजेपी टिकट के लिए कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का सामने आ रहा है। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर सीट से विधायक हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इनके बाद दूसरा नाम हरिओम यादव का सामने आया है। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी के बागी और पूर्व विधायक हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तीसरे नंबर पर फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष ससीजा का नाम भी सामने आया है। और कहा जा रहा है कि एमपी की टिकट मांगने वालों की रेस में वह भी लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल और अखिलेश के एक होने के बाद बीजेपी की फिरोजाबाद सीट को जीतने की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज थे और यही कारण था कि यहां से अक्षय यादव 25,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद सीट से किसके ऊपर दांव लगाती है।